अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है जनरल साइंस। जनरल साइंस के कुछ एमसीक्यूज मैं आपको पेश करूंगा। नंबर वन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर पार्ट्स ऑफ द एनिमल सेल। इसमें से कौन एनिमल सेल का मेजर पार्ट होता है? नंबर वन ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी है न्यूक्लियस, सी है साइटोप्लाज्म, डी है आर। तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, आल। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल। नंबर टू है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन डेड सेल्स ऑफ लीव्स। स्टोमेटा लीव्स में कौन से सेल्स में मौजूद होते हैं? स्टोमेटा लीव्स में कौन से सेल्स में मौजूद हैं? नंबर ए न्यूक्लियोफिल्स, नंबर बी है परमानेंट सेल्स, नंबर सी है कंडक्टिव सेल, नंबर डी है नन। इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है नंबर ए न्यूक्लियोफिल सेल्स। नंबर थ्री है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिसेल्युलर फंजी। इसमें से कौन सा यूनिसेल्युलर फंजी है? ये फ्रेंड्स, यूनिसेल्युलर उसे कहते हैं जो एक सेल पर मुश्तमल हो, ठीक है। एक यूनिसेल्युलर होता है, एक मल्टी सेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल पर मौजूद हो, मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत ज़्यादा सेलों पर मौजूद हो। तो यहाँ पर इसमें से कौन है, कौन सा फंजी जो है एक सेल पर है, एक सेल पर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए मशरूम्स, एंड बी यीस्ट, सी अजरिक्स, डी आल। तो इसका सही जवाब है यीस्ट। दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी और वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। नंबर फोर है, डैश इज़ द मेन काज ऑफ एवापोरेशन इन वाटर। इनमें से कौन सा जो है मेन काज है, मेन सबब है एवापोरेशन का वाटर में, वाटर में एवापोरेशन का मेन सबब कौन सा है? ए है इलेक्ट्रिकल, बी है ग्रेविटेशनल, सी है हीट, डी है पोटेंशियल। तो इसका सही जवाब है हीट। हीट से ज़्यादातर एवापोरेट होता है वाटर। ओके, अच्छा। नंबर फाइव है, फ्यूल्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी फ्यूल है जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी की? ए फॉसिल्स, बी प्लांट, सी वाटर, डी आल। तो इसका सही जवाब है फॉसिल्स। अच्छा, नंबर सिक्स है, द डैश मशीन व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड। वो कौन सी मशीन है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है साउंड में? नंबर ए एसी, बी है लैंप, सी है बल्ब, डी है रेडियो। तो ये आसान है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सबको आता होगा। वो एनर्जी है रेडियो, रेडियो मशीन है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है साउंड में। अच्छा, नंबर सेवन है, द केमिकल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू। केमिकल के एलिमेंट्स को किस में क्लासिफाइड किया गया है? केमिकल एलिमेंट्स की दर्जाबंदी हम किस में करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट, ऑल। तो इसका सही जवाब है ऑल। हम केमिकल एलिमेंट्स को इन सारों में जो है क्लासिफाइड करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स, क्वेश्चन नंबर एट है, मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स आर। ज़्यादातर मेटल्स हमें किस हालत में मिलते हैं, ज़्यादातर मेटल्स हमें किस हालत में मिलते हैं? नंबर ए गैसेस, नंबर बी है लिक्विड, नंबर सी है सॉलिड, नंबर डी है आल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही जवाब होगा सॉलिड। ज़्यादातर मेटल्स हमें सॉलिड में मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ द मेलेबल एंड डक्टाइल। वो कौन सी चीज़ है जो जिसकी प्रॉपर्टी है आसानी से मुरझाना। मेलेबल एंड डक्टाइल का मतलब है जो चीज़ आसानी से, जिस चीज़ को आसानी से मोड़ा जाए, ठीक है, मीन्स लचकदार, वो चीज़ जो आसानी से मुड़ जाए। इसमें से कौन सी वो चीज़ है जो आसानी से मुड़ जाती है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी खासियत है, वो आसानी से मुड़ जाती है? नंबर ए मेटल, नंबर सी है नॉन मेटल, नंबर बी है नॉन मेटल, नंबर सी है मेटोलाइट, नंबर डी ए आल। तो इसका सही जवाब है नॉन मेटल। नॉन मेटल चीज़ें आसानी से मुड़ा जाता है। नंबर टेन क्वेश्चन है, सेल ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन आर। स्किन के आउटर मोस्ट लेयर सेल्स कौन से होते, ठीक है। नंबर ए लाइव, नंबर बी है डेड, नंबर सी है डेंचर, नंबर डी है नन। तो इसका सही जवाब है बी डेड सेल। स्किन के आउटर मोस्ट लेयर
जो होते हैं वो डेड सेलों के मौजूद होते हैं, ठीक है, वहाँ पे डेड सेल मौजूद है। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, सनलाइट इज़ द डे सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, वो कौन सा सोर्स है? नंबर ए सेकेंडरी, नंबर बी है प्राइमरी, नंबर सी है बिग, नंबर डी है नन। तो इकोसिस्टम में जो सूरज की रोशनी है वो सोर्स है प्राइमरी सोर्स। इसका सही जवाब है बी, प्राइमरी सोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स इज़, फोर्स का यूनिट कौन सा है? दोस्तों हमने जो हमारी जो अगली वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पे, उसमें भी फोर्स का यूनिट आया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था, आपको बताया हो बताया है, तो इसमें भी आपको वही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, आता रहता है। तो फोर्स का यूनिट जो है ए सेकंड, बी जूल, सी मीटर, डी न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास का सही जवाब है डी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच इज़ द रेस्पॉन्सिबल टू टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इसमें से कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेवार है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, मतलब हमारे उज़्वा तक पहुँचाए, इसमें से कौन रेस्पॉन्सिबल है? नंबर ए वेसल्स, नंबर बी है वेंस, नंबर सी है आर्टरीज, नंबर डी है कैपिलरीज। दोस्तों इसमें इसका सही जवाब है आर्टरीज। आर्टरीज हमारे जिस्म, हार्ट से ब्लड लेके हमारे जिस्म के मुख्तलिफ उज़्वा तक पहुँचाती है, ठीक है, बल्कि वेंस जो है लंग से ब्लड लेकर वो हमारे जिस्म हार्ट तक पहुँचाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेंगू मॉस्किटोज आर हैबिटेट ऑफ, डेंगू मॉस्किटोज कहाँ रहते हैं? नंबर ए लेक, नंबर बी है रिवर, नंबर सी है, नंबर सी है सी, नंबर डी है डेल्टा। तो इसका सही जवाब है लेक, डेंगू मॉस्किटो लेक में रहते हैं। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, विजडम टीथ आर बिलोंग्स टू, अच्छा विजडम टीथ का तेलुक किस से होता है? इंसीजर्स, मोलर्स, कैनीज, प्री मोलर्स। टीथ के जो है मुख्तलिफ अकसाम होते हैं जो मैंने नीचे बयान किया है, यहाँ पे विजडम टीथ का तअल्लुक इनमें से कौन से अकसाम से है? तो इसका सही जवाब है मोलस, बी मोलस। गैस्ट्रिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन, गैस्ट्रिक एसिड कहाँ पे मौजूद होता है? स्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स। तो इसका सही जवाब है स्टोमेक, गैस्ट्रिक एसिड स्टोक में, स्टोमेक में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आइडेंटिफाई द कलर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई इंसान की आँख का कलर्ड हिस्सा कौन सा है, रंगीन हिस्सा कौन सा होता है? नंबर ए कॉर्निया, नंबर बी है आयरस, नंबर सी है स्क्लेरा, नंबर डी है रेटिना। तो इसका सही जवाब है आयरस। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच पार्ट ऑफ द ईयर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेन, कौन सा हिस्सा, वो कौन सा हिस्सा है कान का जो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है? नंबर ए ईयर ड्रम, नंबर बी है स्टेप्स, नंबर सी है पिना, नंबर डी है कोचलिया। तो इसका सही जवाब है डी कोचलिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, एपिडर्म, एपिडर्म इज़ द डैश लेयर ऑफ स्किन, एपिडर्म कौन सा लेयर होता है स्किन का? इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है आउटर लेयर। नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है, रफ सरफेस ऑफ द टंग इज कॉल्ड, टंग जिबान की जो है रफ सरफेस उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट बर्स, नॉस्ट्रिल्स, ऑल्फैक्टरी, पपीलाई। इसका सही जवाब है पपीलाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी पपीलाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी और भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।